to you by Independence. कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। आप सबको मेरा नमस्कार। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि अभी सपुटा रोड पे जो सीवर के कारण जो रोड पे गड्ढे हुए थे उसको मरम्मत का काम चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ट्रैफिक में आप लोगों को खूब समस्याएं हुई हैं, क्योंकि एक तरफ का पूरा रोड बन रहा है तो हमें पैच पैच में इसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो एक साथ पूरी रोड एक साथ ब्लॉक करके बनाएं या पैच पैच में बनाते हुए आगे बढ़ें। एक साथ बनाएंगे तो और ट्रैफिक की समस्याएं हो जाएंगी, इसीलिए अभी हम बंगाली कॉलोनी के सामने जो पैच है उस पैच के एक तरफ का काम अभी हम लोग कर रहे हैं। आज की जो ट्रैफिक का इश्यूज था, लोगों को कई घंटे लग गए हैं, आप सबको, मैं भी ट्रैफिक में फंसा था, मुझे भी समय लगे। हालांकि आज हमने ट्रैफिक पुलिस से बात भी की है, कल मैं कोशिश कर रहा हूं कि ट्रैफिक डीसीपी से बैठ करके इसको और कैसे बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए उस पर चर्चा करें। मैंने एक राय दी है कि इसको वन वे कर दिया जाए, यानी आने का इधर से जब आप बुराड़ी की तरफ से आते हैं और वापस फिर बुराड़ी की तरफ जाने के लिए हम धरोधा वाला पुस्ता होते हुए बाबा कॉलोनी होते निकाल करके ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये हम कल हालांकि डिस्कशन करेंगे, ये मैंने मोटा मोटा आज जब ट्रैफिक का इश्यूज था तो मैंने देखी ये मोटा मोटा सजेशन दिया है। आप लोगों के पास भी इससे कोई बेहतर सॉल्यूशन हो ट्रैफिक को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए तो अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत लोगों को शिकायतें थी कि सड़क का बहुत बुरा हाल है और जो वास्तव में है, तो जब तक ये 15-20 दिन लगेगा इस एक तरफ के रोड बनाने में, फिर 15-20 दिन दूसरी तरफ रोड बनाने में, तो ये 15-20 दिन पूरी कठिनाइयां जरूर रहेंगी। आप लोगों ने जब से सीवर का काम हुआ बहुत सारी कठिनाइयों का आप लोगों ने सामना किया, पेशेंस रखा, मुझे लगता है कि अब 1 महीने और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको परेशानी कम हो, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही सहयोग आप लोग बनाए रखेंगे। हम काम की गति को तेज कराने की कोशिश कर रहे हैं, या और आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, ज़रूर बताइए, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके जो दिक्कत कम से कम हो उसकी कोशिश करते रहें। जय हिंद।